तो भाई ये है पल्सर की NS160। कंपनी ने कुछ कर दिया इसमें नए अपडेट 2023 मॉडल में। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इसमें अपडेट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर फ्रंट देखोगे आप, फ्रंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कंपनी ने दो बदलाव किए हैं, एक तो NS200 में और NS160 में। दोनों में आपको अगर फ्रंट से देखोगे तो कोई भी चेंजेस मिलने वाले नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम लगेगी। अब फिलहाल पहले इसका इग्निशन ऑन करते हैं। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे भाई, यहाँ पे पायलट लैंप है भाई, ये आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे पायलट लैंप है, ये जल जाएंगे और ये आपको जो है हैलोजन के साथ ही हेडलैम्प दिखाई देंगे, हैलोजन में इंडिकेटर दिखाई देगा। इसमें जो सबसे मोस्ट अपडेट है भाई, मोस्ट अपडेट है इसका USD डाउन फ्रंट फोर्क। यहाँ पे आप देखिए इसमें आपको अप साइड डाउन फ्रंट फोर्क दे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बजाज ने पहली बार NS160 में ऐसा नया अपडेट दिया है और लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा कि पल्सर की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोविंग है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है भाई। लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि डुअल चैनल ABS चाहिए, तो वो भी आपको मिलने लगा है। इसमें तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइबर के पहले कैलिफर दिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्रीमिका के कैलिफर देखने को मिलेंगे। और अगर आगे वाला टायर की बात की जाए तो आगे वाला टायर जो आपको मिलता है भाई 100/80 का मिलेगा, 17 इंच के अलाइबल्स के साथ में। और यहाँ पे आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ऑयल कूल्ड इंजन है, और इसका फ्यूल टैंक देखोगे तो यहाँ पे रेड कलर की आपको स्टिकर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको हेडलाइट पे आपको रेड कलर का स्टिकर देखने को मिलेगा। तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा भाई बजाज का लोगो। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा भाई नंबर प्लेट का ब्रेकेट अपना, और इस साइड से देखोगे आप तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपको दिखेगी। फ्यूल टैंक पे देखोगे भाई तो आपको पल्सर का 3D लोगो देखने को मिल जाएगा, रेड कलर का स्टिकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्यूल इंजेक्शन है, यानी FI इंजन है इसका। और सबसे बड़ा एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है, किक स्टार्ट की सुविधा मिल जाती है, एयरविंड वगैरह मिल जाएगा। और फुटरेस्ट आप देखोगे भाई तो फुटरेस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, फोल्डिंग फुटरेस्ट मिलेगा, और थोड़ा सा पीछे के साइड झुका हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है, और ये प्लेन के लिए फुटरेस्ट हो जाएगा। बात करेंगे भाई इंजन की तो यहाँ पे आपको 160 cc का DTS FI इंजन मिल जाता है, जो कि पावर जनरेट करता है 17.4 का, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 14.6 यानी 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इस बाइक में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों मिलेंगे। इसके बाद अगर रियर प्रोफाइल की बात करते हैं भाई तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर रियर टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे 130/70 का आपको टायर देखने को मिलेगा, 17 इंच के अलाइबल्स के साथ में। पीछे वाला डिस्क ब्रेक आप देख ही सकते हैं, आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और पीछे भी आपको ABS मिल रहा है, यानी डुअल चैनल ABS आपको इसमें ऑफर किया जा रहा है बजाज की तरफ से। यहाँ पर आपको NS160 का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सा कलर देखने को मिलेगा स्टिकर, यहाँ पर सिल्वर और प्लस आपको रेड कलर में स्टिकर देखने को मिल जाएगा। ये बाइक देखने में कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना, और जो आप चाहते थे वो चीज़ें तो आपको मिल ही गई। बजाज ने भाई अपने NS160 में डुअल चैनल ABS और USD फ्रंट फोक दे दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। कंफर्ट की बात की जाए तो कम्फर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको स्प्लिट में सीट देखने को मिलेगी, और कम्फर्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 805 mm की इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसके बाद अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो टॉप से डिज़ाइन फ्यूल टैंक का कुछ ऐसा देखने वाला है, 12 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी फ्यूल टैंक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं भाई अगर रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सा रियर प्रोफाइल आपको मिलता है। ग्रे होल्डर आपको स्प्लिट टाइप में मिलेंगे, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर जो है हैलोजन में ही ऑफर किए जाएंगे, LED में आपको 10 lamp ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको 3 साइड में मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद इस साइड में आपको सेफ गार्ड ऑफर किया जाएगा, और ये बाइक आपकी 5-speed गियरबॉक्स से लैस है, और NS200 आपकी 6-speed गियरबॉक्स से लैस है। इंजन काउल पे भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखिए इंजन काउल पे तो आपको रेड कलर का और ब्लैक कलर का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बड़ी सी स्टिकर देखने को मिलेगी 160 की, और यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टिकर देखने को मिलेगा, और इस साइड में भी आपको रेड कलर का स्टिकर देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट अपडेट की बात और करते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है, तो भाई इसके मीटर कंसोल में आपको सबसे बड़ा मोस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। तो मीटर कंसोल आप चेक करो, यहाँ पे आपको RPM मीटर दिखेगा, और ABS की लाइट आपको यहाँ से होगी, फ्यूल इंडिकेटर की लाइट यहाँ पे से होगी,
यहाँ पे आपको इंजन का लोगो, बजाज का लोगो, टेम्परेचर वगैरह चेक कर पाओगे, बैटरी की लाइट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ देखिए तो आपको गियर इंडिकेशन पोजीशन शो करेगा, टाइमिंग शो करेगा, किलोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, और इसके बाद यहाँ पे जैसे आप दबाओगे तो ट्रिप मीटर की डिटेल सारी आ जाएगी, ट्रिप वन, ऑडोमीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक अपडेट ये है कि यहाँ पे गियर इंडिकेशन पोजीशन को बजाज ने पहली बार ऑफर किया है। जैसे आप कौन से गियर में चल रहे हो, कौन सा गियर लगाओगे तो वो आपको पता चल जाएगा। स्विचेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको राइट साइड में इंजन की क्विल स्विच, यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट, और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे पास, और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न। अब फाइनली मैं इसका एडजस्ट साउंड आपको सुना देता हूँ क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होगे, तो चलिए एडजस्ट साउंड में आपको सुनाता हूँ। तो भाई ये था इसका एडजस्ट साउंड। और अगर पीछे वाले सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं जो कि कंफर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो ESD यानी आप साइड डाउन फ्रंट फोक, और दूसरा आपको मीटर कंसोल में चेंजेस मिलते हैं, और डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है इस बाइक में। तो बाइक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।